आज गणेश विसर्जन का दिन है, 11वां दिन है चतुर्थी के बाद, तो आज गणेश जी को विसर्जित किया जाता है, तो वही देखने जाने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आप जहाँ भी होंगे मौज में होंगे। आज के दिन मुझे एक चुटकुला याद आता है विसर्जन का, जैसे ही देखता हूँ ना तो मेरे को एक इमेज मेरे दिमाग में घूमता है। एक नाव पर 5-6 लोग जा रहे होते हैं, अलग अलग रिलीजन के, मुस्लिम रहता है कोई, कोई क्रिश्चियन रहता है, कोई बौद्धिस्ट रहता है, उसमें से एक हिंदू भी रहता है। तो नाव डूबने लग जाती है, वो नाव डूबने लगती है तो होता कि अब कैसे बचे, बीच नदी में है। तो उसमें जो मुस्लिम रहता है वो बोलता है ए अल्लाह बचा लो मुझे, आते हैं उसको बचा कर ले जाते हैं। फिर ऐसे क्रिश्चियन बोलता है ओ गॉड बचा लो, आते हैं बचा कर ले जाते हैं। तो अब हिंदू की बारी आती है, लास्ट में हिंदू बचता है, तो वो बोलता है कि हे गणपति बप्पा आओ मुझे बचा लो। और गणपति बप्पा आते हैं और नाव पर खूब डांस करने लगते हैं, बोलता अरे प्रभु आप बचाओ मैं तो डूब रहा हूँ। बोले कि विसर्जन के समय तो तू भी बहुत नाच रहा था, अब तू डूब मैं नाचूंगा। तो ऐसा मेरे को मतलब ये चुटकुला बार बार दिमाग में आता है। और आज विसर्जन के दिन ये लोग जल्दी जाने वाले हैं, मैं अकेले ही विसर्जन देखने जाऊंगा, ये लोग अपना अलग अलग विसर्जन देखेंगे, साथ में कोई है नहीं। आज हमारे कैमरामैन भी बेचारे अपनी जगह पर बिजी हैं। चलो चलते हैं। देखो एक नया गणपति थाईलैंड चा बप्पा, यहाँ थाईलैंड के लोग भी मनाते हैं गणपति फेस्टिवल। ये देखो इधर पीछे देखो, वाओ ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ। बाहर के लोग भी यहाँ देखो थाईलैंड चा बप्पा, ये इतना भीड़ होता है यहाँ पर देखो। ये लोग विसर्जन करके जा रहे हैं। ये देखो यहाँ पर गाड़ियां पार करते हैं, जो ट्रक आती हैं, जो बसेस में लोग आते हैं वो यहाँ पर पार किया जाता है टेम्परेरी। हाँ ऐसा नहीं कि लंबे टाइम तक पार कर सकते हैं। देखो एक ही अभी खुलेगा तो ये लोग निकल जाएंगे, ये रोड पर रोके गए हैं। एक टाइम पर गाड़ी तो और एक टाइम पर पब्लिक। काफी अच्छा बंदोबस्त किया जाता है ताकि कोई यहाँ दुर्घटना ना हो। यहाँ पर देखो बड़ी बड़ी गणपति की मूर्तियां आना शुरू हो गई हैं पेड़ा रोड पर से जो आ रहे हैं। मैं घर गया गाड़ी पार्क करके, अभी दूसरी सारी मूर्तियां देखने आया। जाते समय ट्रैफिक भी था इसलिए ऐसा हुआ कि पहले जल्दी जल्दी जाकर गाड़ी पार्क कर लेते हैं फिर आते हैं। और ये ऐसा जंक्शन है जहां से सारी मूर्तियां जाती हैं बड़ी बड़ी। अभी लाल बाग का राजा यहां से गुजरा। मैं कैमरा टर्न करता हूं, देखो बहुत खुशनुमा माहौल हो जाता है। ये ऊपर से मोनोरेल का ट्रैक थोड़ा अलग ही, ऊपर से मोनोरेल जाती है यहाँ से। जब मूर्ति आएगी तो यहाँ से फूल गिरेगा, ऐसे पूरे रास्ते में ऐसा अरेंजमेंट किया रहता है। और इन लोगों ने मूर्ति को बचाने के लिए एक बैनर लगा लिया है ताकि बारिश नहीं हो। इस बार बारिश काफी हुई है, फूलों की वर्षा। ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छा लगता है स्वागत में। और ऐसे कई जगह पर बने हुए हैं। वाओ बप्पा, बप्पा के स्वागत के लिए फूल गिराया गया। और ये दूसरी मूर्ति, यहाँ ये ऐसा जंक्शन है, ऐसा पॉइंट है जहाँ से कि बहुत सारी लगभग जो यहाँ की फेमस मूर्तियाँ हैं, जो प्रसिद्ध मूर्तियाँ हैं वो यहाँ से ही गुजरती हैं। और ये लोग विसर्जन करके आ रहे हैं, आ चुके हैं, जा रहे हैं अभी विसर्जन करके। ऐसे ही हाथ गाड़ी होता है, ऐसे बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियाँ सजाई जाती हैं, श्रद्धा से लेकर जाई जाती हैं, अच्छा लगता है। बस यही है कि पीओपी की मूर्तियाँ होती हैं जिसके वजह से दूसरे दिन ये जो पानी है उसमें घुल नहीं पाता है, इसलिए दूसरे दिन समंदर के किनारे आ जाती हैं, वो थोड़ा सा दुख की बात लगती है। गणपति का फेस्टिवल काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन दूसरे आज विसर्जन करके आएंगे इसके बाद दूसरे दिन बहुत दुख होता है जब
गणपति की मूर्तियाँ किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का सिर टूटकर जब बीच पर आया रहता है, समंदर के किनारे आया रहता है, तो उस समय श्रद्धा के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। सोचने को होता है कि आखिर क्या मतलब ये बुरा हश्र क्यों, यदि हम इतने श्रद्धा से इतने प्यार से लाए थे और उसको विसर्जित किए हैं तो इतना बुरी तरह से उसका हश्र क्यों होना चाहिए। इसलिए ऐसा कुछ सलूशन मेरे हिसाब से होना चाहिए जिससे कि श्रद्धा भी बनी रहे और एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना हो और ऐसा मूर्तियों का स्वरूप नहीं देखना पड़े। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आज बहुत खुशनुमा माहौल है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलो अभी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है तो अभी वापस चलना है। आप लोग जहाँ भी रहो स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो और कोई भी परिस्थिति हो डटे रहो। थैंक यू, बाय बाय।